मैं जिलानी नायक और डिपार्टमेंट कलर स्टाफ एसोसिएशन का प्रेसिडेंट कि कल जो एलजी एडमिनिस्ट्रेशन ने एक ऑर्डर निकाला सेक्टर ट्रेनिंग के मुताबिक जो सेक्टर एसोसिएशन ट्रेनिंग क्लर्क कैडर के लिए मुतयन की गई है और उस ऑर्डर के तहत सेक्टर ट्रेनिंग का न्यू बैच शेड्यूल किया गया है और उस ऑर्डर के तहत जो स्लॉट्स अवेलेबल थे आज तक 240 उससे बढ़ाकर 1250 कर दिया गया है जो कि एक हिस्टोरिकल स्टेप है और मसावात और इंसाफ पर मबनी है। और इस स्टेप के लिए हमारे पास अल्फाज नहीं है कि हम एलजी साहब का, वर्दी चीफ सेक्रेटरी साहब का, जेडी कमिश्नर साहब का और बिलखसूस डायरेक्टर जनरल इम्पा सौरभ भगत साहब का किन अल्फाज में शुक्रिया अदा करें। साथ ही में हम अपील करना चाहेंगे एलजी एडमिनिस्ट्रेशन से, बिल्कुल बिलखसूस हमारे जो चीफ सेक्रेटरी साहब हैं और कमिश्नर सेक्रेटरी जेडी कि उन्होंने जो गैजेटेड सर्विस हमारी थी एडमिनिस्ट्रेटिव अफसर गैजेटेड सर्विस उसमें पिछली दफा उन्होंने 24 एडमिनिस्ट्रेटिव अफसर एंटर किए थे और जिसके जो है शुक्रिया करने के लिए हमने इसी सहाफत घर में प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, वो ऑर्डर निकला लेकिन आज तक उन 24 पोस्टों पे हमारे सेक्शन ऑफिसर्स को प्रमोट नहीं किया गया। उसके लिए हम अपील करना चाहते हैं कि अगर पोस्टें एनकाउंटर हुई हैं तो उनकी प्रमोशन जल्द अज जल्द की जाए। और उसके साथ ही और एक इशू है हमारा, वो ये है कि एडमिनिस्ट्रेटिव अफसर सेक्शन ऑफिसर टू एडमिनिस्ट्रेटिव अफसर 5 साल क्वालिफाइंग सर्विस मुकर्रर की गई है जबकि सेक्रेटरी सबॉर्डिनेट सर्विस के लिए 3 साल मुकर्रर किए गए यानी सेक्शन ऑफिसर टू अंडर सेक्रेटरी एंड सीनियर स्टेनोग्राफर टू प्राइवेट सेक्रेटरी। और बिल्कुल लास्ट में हम आपसे ये गुजारिश करना चाहते हैं कि इस मुद्दे को आप सहाफत के लोग जहां सहाफत से जुड़े जो हमारे साथी हजरात हैं वो उठाए कि जो ट्रांसफर पॉलिसी है उसको लेटर एंड सुप्रीट इंप्लीमेंट किया जाए। वो सिर्फ सिर्फ क्लर्कों के लिए नहीं होनी चाहिए, वो सिर्फ मिनिस्टर कैडर के लिए नहीं होनी चाहिए, वो एक टीचर से लेके, एक पटवारी से लेके, एक क्लर्क से लेके, एक जो है सुपरवाइजर से लेके तमाम कैटेगरियों पर इंप्लीमेंट होना चाहिए। हाँ, हम ये चाहते हैं कि इसकी शुरुआत हमारे क्लर्कों कैडर से ही हो कि 5 साल से ज्यादा या 3 साल से ज्यादा कोई भी मुलाजिम दफ्तर में ना रहे। इन्हीं अल्फाजों के साथ हम आपका शुक्रिया अदा करें।